हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई एमसीयू के यूनिवर्स की पहली 3D एनिमेशन सीरीज व्हाट इफ के सीजन 1 को। जिसकी कहानी की बात करें तो उसकी क्लियरिफिकेशन हमें पूरी तरीके से एपिसोड नंबर 8 से दी जाती है और 9th एपिसोड में आकर इसके पूरे सीजन 1 को खत्म भी कर दिया जाता है, जिसमें बाद में हमें यही पता चलता है कि सीरीज का मेन विलेन ईगो नहीं बल्कि अल्ट्रॉन है, जो इस व्हाट इफ की सीरीज के टाइटल के हिसाब से अब अपने मिशन में सक्सेस होने के बाद क्या कुछ करेगा क्या नहीं, वो डिटेल जानने के लिए तो आपको देखना होगा व्हाट इफ का ये पूरा का पूरा सीजन 1, जो अब आपको देखना भी चाहिए या नहीं, चलिए उन डिटेल्स पर आते हैं। लेकिन उससे पहले बनती है अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं आपके कुछ डाउट्स को क्लियर कर देता हूँ कि जैसे कि इस सीरीज को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी में रिलीज नहीं किया गया, जो कि ठीक भी है, क्योंकि जो दावे इस सीरीज को आगे चलकर एमसीयू के यूनिवर्स से कनेक्ट करने के किए जा रहे हैं, ऐसा कोई भी रीजन मुझे इस पूरे सीजन में बिल्कुल भी नजर नहीं आया, क्योंकि इस पूरे सीजन 1 को 3D एनिमेशन में ही रखा गया है, यहाँ तक कि मल्टीवर्स के बाकी दूसरे यूनिवर्स को भी। ऐसे में अगर इसकी कंपैरिजन एमसीयू के बाकी दूसरे यूनिवर्स से करें तो फिर वहाँ पर फर्क 3D और लाइव एक्शन का आ जाता है, जिसका पता तो आपको इस सीरीज को देखकर ही लेगा, जो फिलहाल तो मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को लेकर पूरी तरीके से कंफ्यूजन से भरी पड़ी है, जिसकी क्लियरिफिकेशन भी इस सीरीज में प्रॉपर तरीके से नहीं दी गई। यानी कि प्रो ऑडियंस मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेगी, लेकिन बाकी दूसरी ऑडियंसेस बिल्कुल भी नहीं, जिसमें जितना अच्छा काम लोकी की सीरीज ने मल्टीवर्स को एक्सप्लेन करने में किया है, तो व्हाट इफ की सीरीज उसका बिल्कुल उल्टा करती हुई हमें नजर आती है, वो भी काफी फास्ट पेस में, जिस फास्ट पेस के चक्कर में अगर कहीं पर प्रॉब्लम हुई है तो वो प्रॉब्लम इसके बाकी के बचे हुए 6 एपिसोड्स में है, जो सिर्फ एमसीयू के सारे कैरेक्टर्स को डिफरेंट तरीके से दिखाने में ही खत्म कर दिए गए हैं, जिनमें अगर काफी अच्छे एपिसोड्स की बात करें यानी कि कैरेक्टर की डेवलपमेंट के हिसाब से, तो वो गिनती सिर्फ 4th एपिसोड की ही रहेगी, बाकी दूसरे किसी भी और एपिसोड्स की बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बाकी सभी के सभी एपिसोड्स कैरेक्टर डेवलपमेंट के नाम पर हमें बस फास्ट पेस ही दिखाते हैं, जिसे देखकर आप ये तो बिल्कुल क्लियरली समझ जाओगे कि क्रिएटर्स खुद पर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे इसी बात को लेकर के फैंस को ये बात तो बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि एमसीयू के 3 फेज में क्या क्या हुआ है, और उन्हीं चीजों को अगर पूरी तरीके से डिफरेंट कर अगर फैंस के सामने प्रेजेंट की जाए, वो भी काफी कम से कम समय में, तो लोग उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम मल्टीवर्स के साथ साथ वॉचर्स के कैरेक्टर की भी आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिएटर्स की तरफ से ये बात भी कंफर्म की गई थी कि ये शो पूरी तरीके से वॉचर्स पर फोकस करता है, कि अगर वॉचर अपनी कसम को तोड़ देगा तो फिर क्या होगा, लेकिन उसका भी पे ऑफ हमें यहाँ पर बिल्कुल भी देखने नहीं मिला, जिससे शायद हो सकता है कि सीजन 2 के लिए बचा कर रख लिया गया हो। लेकिन अभी के लिए तो ये चीज उन फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी रही, जिन्होंने व्हाट इफ के हर एक एपिसोड्स को हफ्ते दर हफ्ते वेट कर देखा है, और जो लोग अब जाकर इस पूरे के पूरे एपिसोड्स को देखेंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज तो बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल जाएगी कि व्हाट इफ के हर एक एपिसोड्स में जिस तरीके से कैरेक्टर डेवलपमेंट की जा रही है, उसका पे ऑफ एंड में उतनी अच्छी तरीके से निकल कर बिल्कुल भी नहीं आया है। इसके अलावा बात करें वॉइस कास्टिंग की, तो नो डाउट पहले अनाउंसमेंट सारे के सारे एक्टर्स को रिटर्न लाने की गई थी, जिसमें से कई मेन एक्टर्स ने फिर से अपने कैरेक्टर की वॉइस देने के लिए पूरी तरीके से मना कर दिया, लेकिन कुछ रिटर्न आए हैं और अगर उनमें तारीफ की जाए तो ये लिस्ट काफी छोटी है, जिसमें सबसे पहला नाम तो बेनेडिक्ट कैम्बरबैच का निकल कर आएगा, दूसरा चैडविक बॉसमैन और तीसरा और आखिरी नाम जेफरी वाइट का रहेगा, जिन तीनों की तरफ से अपने कैरेक्टर्स को लेकर बहुत ही अच्छी तरीके की डेवलपमेंट की गई है। लेकिन बाकी जितने भी एक्टर्स ने अपने कैरेक्टर को इस बार इस 3D एनिमेशन सीरीज में अपनी वॉइस दी है, वो वॉइस उनके कैरेक्टर के साथ बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती। अब ये चीज मैं एनिमेशन स्टाइल को लेकर नहीं बल्कि कैरेक्टर्स की वॉइस को लेकर कह रहा हूँ, क्योंकि हर एक एक्टर जब किसी भी कैरेक्टर का रोल प्ले करता है तो फैंस का कनेक्शन उस कैरेक्टर्स के साथ उनकी परफॉर्मेंस से ही बनता है, और एनिमेशन प्रोजेक्ट में कैरेक्टर्स की वॉइस से। लेकिन यहाँ पर वो वॉइस बाकी दूसरे एक्टर्स के मामले में बहुत ही ज्यादा फीकी रही, जो कहीं ना कहीं सीरीज की एक और बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। इसके अलावा ये सीरीज एनिमेशन स्टाइल में भी कुछ खास ज्यादा कमाल कर हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं रखती, क्योंकि इसका एनिमेशन स्टाइल डिज्नी जैसे बड़े स्टूडियो के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं खा रहा था। अब हाँ, मुझे पता है कि स्टूडियो ये सीरीज कम से कम बजट में बनाना चाहता था, लेकिन अच्छे एनिमेशन स्टाइल के साथ, लेकिन ये एनिमेशन स्टाइल जैसे कि मैंने कहा, मुझे पर्सनली उतना ज्यादा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। इनफैक्ट मैंने पहले उम्मीद इस सीरीज के एनिमेशन स्टाइल को लेकर यही लगा रखी थी कि इस सीरीज का एनिमेशन स्टाइल स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स के लेवल का रहेगा, जो कि फिलहाल तो बिल्कुल भी निकल कर नहीं आया। और अगर डिज्नी वालों को इसके एनिमेशन स्टाइल पर कुछ अच्छी मेहनत करनी थी तो फिर मुझे लगता है वो मेहनत नेटफ्लिक्स की क्लॉस सीरीज से उन्हें देख कर ले लेनी चाहिए थी, जो काफी अंडररेटेड नेटफ्लिक्स की फिल्म है, लेकिन उसका एनिमेशन स्टाइल इस सीरीज के साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से सूट करता। बट फिलहाल तो जिस तरीके का एनिमेशन स्टाइल लिया गया है, उसे देखकर आपको बाकी दूसरे सस्ते बजट में बनाए
बनाई गई 3D एनिमेशन फिल्मों की याद आती है। बाकी रही बात स्टोरी की, तो अगर उसे मैं मेरे हिसाब से एक्सप्लेन करूं कि व्हाट इफ के इस यूनिवर्स में स्टोरी की प्रेजेंटेशन किस तरीके की होनी चाहिए थी, तो मैं तो बिल्कुल सिंपल यही कहूंगा कि 4th एपिसोड में जिस तरीके का एपिसोड हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का प्रेजेंट किया गया है, उस पर एक अच्छी खासी व्हाट इफ की सीरीज बन सकती थी। भले से ही एपिसोड काफी कम रहते, यानी कि 5 से 6 एपिसोड, लेकिन फिर भी उस कहानी को और भी ज्यादा एक्सप्लोर कर फैंस को जो यूनिवर्स दिखाया जाता मल्टीवर्स के अंदर, फैंस उससे बहुत ही ज्यादा रिलेट कर पाते। हालांकि 4th एपिसोड में उन चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया गया है, लेकिन फिर भी अगर व्हाट इफ की सीरीज अपने हर एक सीजन में ऐसे ही 1 से सिर्फ 2 कैरेक्टर्स के ही यूनिवर्स पर फोकस रखती और उन्हीं की स्टोरीज और प्रॉब्लम को दिखाती, तो फिर व्हाट इफ की सीरीज लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग रहेंगे जिन्हें ये सीरीज इसी फास्ट पेस के हिसाब से पसंद आएगी, बट डाई हार्ड फैंस इस सीरीज को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, और जैसा एंड उनके सामने रखा गया है उसकी तो बात ही छोड़ दो। इसलिए अब सीधे आते हैं सीरीज के बाकी दूसरे डिपार्टमेंट पर, जिनमें अगर मैं बात करूं सीरीज के डायरेक्शन के स्टाइल पर, तो जिस तरीके का एनिमेशन और डायरेक्शन इस सीरीज में हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हैं। बाकी ऐसा ही कुछ सीरीज के फोटो, सिनेमेटोग्राफी, कैरेक्टर्स डिजाइन और कलर्स के कॉम्बिनेशन के साथ किया गया है। और एडिटर साहब की बात करें तो इस फास्ट पेस में उनकी एडिटिंग भी हमें बहुत ही अच्छी तरीके से नजर आती है कि सीरीज के हर एक आधे घंटे के एपिसोड्स को कितना क्विकली खत्म किया गया है। और अब उसी स्पीड के साथ सीधे आ जाते हैं सीरीज की रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूं इस सीरीज के एक्शन की, तो एक्शन के लिए 5 में से 3 स्टार बिल्कुल ठीक रहेगी। कॉमेडी और सस्पेंस के लिए 5 में से सिर्फ 1 स्टार, क्योंकि सीरीज बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल है और जिस पिकअप के साथ ये सीरीज शुरू होती है, यानी काफी क्विकली, उतनी ही जल्दी ये सीरीज अपने एंड पर भी आ जाती है, जिसे अगेन दिखाने के लिए ऑलमोस्ट 3 महीने ले लिए गए। बाकी बात रही कॉमेडी की, तो वो कुछ ही एपिसोड में हमें देखने मिलते हैं, इसलिए ये रेटिंग सस्पेंस की ही तरह 5 में से 1 स्टार की बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा बात करें शो के ड्रामा की, तो ड्रामा के लिए मैं शो को 5 में से 2.5 स्टार से ज्यादा रेटिंग बिल्कुल भी नहीं दूंगा। रीजन आप खुद सीरीज देखकर पता लगा लीजिएगा। इसके बाद आ जाए इसके हॉरर और थ्रिल पर, तो थ्रिल के साथ साथ कुछ एपिसोड्स काफी ज्यादा डार्क है, जिन्हें ध्यान में रखकर मैं इस सीरीज को इन दोनों ही कैटेगरी में 5 में से 1.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। बाकी बात करें मास्टर्स ऑडियंस की, तो मास्टर्स ऑडियंस की नजर में ये शो B+ की कैटेगरी का है। भले से ही कॉन्सेप्ट मल्टीवर्स को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग क्यों ना रहे, लेकिन फिर भी मास्टर्स ऑडियंस इस शो को एंजॉय करेगी। और आ जाए क्रिटिक्स पर, तो क्रिटिक्स की नजरों में ये शो B की कैटेगरी का है, और मेरी नजर में मैं इस सीरीज को B- की कैटेगरी में रखूंगा, यानी बस एक ठीक ठाक सा टाइम पास सा शो, जिसे आप अपने काफी खाली समय में ही बैठकर देख सकते हो, मेन टाइम में बिल्कुल भी नहीं। बाकी मर्जी तो आपकी ही है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है MCU की पहली 3D एनिमेशन व्हाट इफ सीरीज को लेकर, कि मुझे पर्सनली ये सीरीज कितनी ज्यादा पसंद आई है और कितनी नहीं। बाकी आपकी राय आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए अपने चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।